देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा बाहर आए हैं खासाकोटी के अंदर, और जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जो उनकी समस्याएं हैं वो लेते हुए नज़र आ रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं से वो मिल रहे हैं और लोग उनका सूट की माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बाहर आए हैं अजय माकन से मिलकर, और शायद ये मीडिया से मुखातिब भी हो सकते हैं, हम बात करने का प्रयास भी करेंगे इनसे कि किस प्रकार की जो बैठते हैं यार, उनका क्या कुछ तालमेल सत्ता और संगठन के बीच में रहेगा। कुछ कार्यकर्ता हैं जो अपनी समस्याओं से उनको अवगत करा रहे हैं, और बात लेकर उनको आश्वासन दे रहे हैं कि वो जो सर पहुंचाए हैं सर, और अब बात करते हैं बिल्कुल सत्यनारायण, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात का दौर, समस्याओं को सुनते हुए, और कोशिश कीजिए कि उनसे कुछ बातचीत हो पाए। और जैसा कि कह भी रहे गोविंद सिंह डोटासरा, सुनिए क्या किस प्रकार की बैठक का सत्ता और संगठन की था। आज जयपुर संभाग के तमाम जिलों का, जो कल अजमेर संभाग के जिलों से कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया था, उसी तरीके से आज फीडबैक जयपुर जिले के तमाम जिले के महत्वपूर्ण नेताओं से लिया जाएगा, और 5 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पीसी की जाएगी, जो दिन भर जो चर्चा संवाद रहता है उसके बारे में आप लोगों को मिला जाएगा। या वन बाय वन कैसे कार्यक्रम रखा गया, दिन भर जो चलेगा संभाग का? आज ग्रुप में जैसे सबको हम बैठाते हैं, फिर उनको सबको अपनी अपनी बात कहने का मौका मिलते हैं, फिर उनमें से 150 में से एक आधा आदमी अलग से कहता है भाई मैं मिलूँगा। एक राजनीति में चलता है कि साहब मैं अलग से मेरी बात बताऊं, मैं क्या हूं, मैंने क्या किया है, तो वो फिर उनको समय अलग से निर्धारित करके दे देते हैं। एक सामान्य प्रक्रिया हर पार्टी में ये चलता है और हमारे में, लेकिन कल जो फीडबैक था उसमें 99% लोगों ने वहीं अपनी बात कही। एक भी ऐसा कार्यकर्ता या नेता वहाँ जो उपस्थित था वो नहीं था जिसने अपनी बात नहीं कही हो या उसको मौका नहीं मिलो। इसका मतलब यही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पे कांग्रेस की सरकार आई है, तो उनको तवज्जो संगठन और सत्ता में मिले, उनके काम हो, उनका मान सम्मान हो। अभी कल तक का, आज तक का कार्यक्रम है, उसके बाद में ये कोरोना की स्थिति को देखते हुए पुनः समीक्षा करके फिर बनाया जाएगा। सर, कल जिस तरीके से अजमेर संभाग में विधायक और विधायक के समर्थक कुछ नारेबाजी करते हुए, वो नारेबाजी करना अलग बात है, पार्टियों में कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, नारेबाजी कार्यकर्ता उत्साह में करते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इस तरह की कोई विवाद की बात नहीं थी। तुरंत 2 मिनट में जो ही पता चला कि आपस में कार्यकर्ताओं का छोटा मोटा मनमुटाव है, उसको निपटा लिया गया। मैं समझता हूँ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, ध्यान में रखती है। भारतीय जनता पार्टी में तो पूर्व के मुख्यमंत्रियों तक को ऊपर मिलने के लिए समय नहीं दिया जाता, और हमारी पार्टी में हमारा जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज राजस्थान एक एक कार्यकर्ता से 1-to-1 बात कर रहा है। मैं समझता हूँ इससे बेहतर क्या हो सकता है। सीकर का भी है तो क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा सीकर के नेताओं का? इससे ज़्यादा क्या एडवांटेज मिलेगा आप बताइए। इतने वरिष्ठ नेता, 8 में से 8 सीट कांग्रेस को हमारे सीकर जिले की जनता ने दी है, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है। पहले भी चौधरी नारायण सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मोरदिया साहब कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, दीपेंद्र सिंह जी स्पीकर रहे हैं, महादेव सिंह जी केंद्र में मंत्री रहे हैं, पारिक साहब यहाँ पर कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, 3-3 महत्वपूर्ण विभाग। तो कांग्रेस ने सीकर को तो हमेशा दिया है, और सीकर की जनता भी कांग्रेस के झोली भर के रखती है। तो खुशबू, ये थे गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने बताया कि कोई मनमुटाव नहीं है कार्यकर्ताओं के बीच के अंदर। कल जो नारेबाजी की गई थी कार्यकर्ताओं के बीच में, जो नारेबाजी हुई थी वो नारेबाजी केवल कुछ कार्यकर्ताओं का उत्साह था केवल वो देखते हुए हुई थी। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आज जो बैठक होगी, हालांकि वो बैठक समूह के अंदर होगी, और लेकिन समूह की बैठक होने के बाद में प्रत्येक कार्यकर्ता को मौका दिया जाएगा कि वो 1-to-1 संवाद कर सके, और शायद इसीलिए आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। समूह के अंदर बैठक होगी, उसके बाद में जो कार्यकर्ता अगर पर्सनल मिलना चाहेगा राष्ट्रीय जो हमारे प्रभारी राजस्थान के अजय माकन, उनसे निजी रूप से मिलना चाहेगा, तो उनसे मुलाकात वो आराम से करेंगे।